ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। युवा कांग्रेस ने शिक्षक की बहाली तथा मेरिट लिस्ट को लेकर सूबे के सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया है। युवा कांग्रेस ने सूबे के सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की नीयत शिक्षकों की बहाली में साफ नहीं दिख रहा। युवा कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की मांग करते हुए कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों की बहाली में मेरिट लिस्ट निकाल कर अपनी नीयत साफ कर दिया है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि मेरिट लिस्ट जो शिक्षकों का जो आया है उस पर कई सवालिया निशान है। किस आधार पर यह मेरिट लिस्ट बनाया गया, जबकि जितने शिक्षकों की जरूरत थी मेरिट लिस्ट में जो क्वालिफाइड लिस्ट हैं उसमें कम शिक्षकों को क्वालिफाई किया गया। उसके बाद भी इस तरह का मेरिट लिस्ट में यह समस्या है, साफ तौर पर सरकार की नीति और नियत को स्पष्ट करती है। सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं करना चाहती, इसलिए लाग लपेस कर लगातार इस मामले को फंसाती चली जा रही है। आज हम सड़कों पर उतरे हैं और शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि अगर आप शिक्षकों की बहाली नहीं कर सकते तो आप जल्द से जल्द इस्तीफा दें, और नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि वो छात्रों को और अभ्यर्थियों को बताएं कि किस आधार पर इस मेरिट लिस्ट का निर्माण किया गया है, और अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती है, मेरिट लिस्ट की सारी विसंगतियां दूर नहीं की जाती है, युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी आंदोलन करेगा।